नमस्कार, आप देख रहे हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी 12 मई को मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी तरह से जीत की तैयारी कर ली है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तमाम अटकलों और कयासों के बाद बीजेपी ने चुनावी गर्मा गर्मी के बीच हरियाणा में भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगर बात की जाए हरियाणा के करनाल की लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी पार्टी ने पानीपत के रहने वाले संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। करनाल से संजय भाटिया को टिकट देना भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। संजय भाटिया पानीपत से हैं। शनिवार को भाटिया को टिकट की घोषणा होते ही भाजपा में सियासी गणित शुरू हो गया। भाटिया को ही तवज्जो मिलने के पीछे उनके संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण भी अहम है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में एक तरफ जहां नेताओं में चेयरमैन लेने की होड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय भाटिया ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन का पद ये कहकर छोड़ दिया था कि उन्हें संगठन का काम करने के लिए समय चाहिए। यही बात सीएम मनोहर लाल के दिल में घर कर गई। उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर इनाम भी दिया है। करनाल सीट पारंपरिक तौर पर ब्राह्मण सीट के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन इस धारणा को वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा ने तोड़ा था और शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर नगर निगम चुनाव में पंजाबी बिरादरी का झुकाव भाजपा की ओर रहा। इन बातों को ध्यान में रखकर पार्टी ने फिर से पंजाबी चेहरा जनता के सामने उतारा है। आपको बता दें कि संजय भाटिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नजदीकी हैं। मुख्यमंत्री भी करनाल सीट से ऐसे ही उम्मीदवार चाहते थे। जो उनके नजदीक हो। संगठन स्तर पर भी यह अंदर खाने निर्णय हो गया था कि करनाल की टिकट सीएम के विश्वास पात्र को ही दी जाएगी, लिहाजा संजय भाटिया ही सबसे उपयुक्त दावेदार बनकर सामने आए। संजय भाटिया के पक्ष में एक बात यह भी कही गई कि वह पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा। इसी बीच स्थानीय और बाहरी के मुद्दे से बचने के लिए भी पार्टी का फोकस रहा। यही वजह रही कि हाल ही में या कुछ समय पहले तक पार्टी में आकर टिकट मांगने वालों की बजाय भाटिया के नाम को फाइनल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिजनौर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने कहा कि गरीब का हक मारना भी चीरहरण होता है। उन्होंने आज तक जनता का चीरहरण किया है, लेकिन जनता सब जानती है। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित करने वालों को जनता देख चुकी है। वहीं खंडवा की बात करते हैं, जहां विधायक मंधाता नारायण पटेल ने सेवा सहकारी समिति में किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। ऋण माफी के प्रमाण पत्र पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं हिंडोन सिटी में उप जिला कलेक्टर ने मतदाता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता नारे लगाते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के देवास की बात करते हैं, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट और हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना को 6 अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी के 3 की तलाश की जा रही है। शाहजहांपुर जिले में लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी ने सेहरा बांधकर और घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजे की धुन पर नाचते हुए बारातियों के साथ अनोखे अंदाज में नामांकन किया है। संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी वैदराज कृष्ण आज घंटाघर से दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार हुए और बैंड बाजे की धुन पर डांस करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ थाना सदर बाजार स्थित पहुंचे, जहां पुलिस ने उनका बैंड रोक लिया। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट तक पैदल गए और नामांकन पत्र दाखिल किया। किस तरीके से आपने क्या सोचा? क्या मैंने ये सोचा कि आज राजनीति का दमान बन के जा रहा हूँ। मैं इसलिए बन के जा रहा हूँ कि अगर जीत के आऊंगा तो उस तरह शाहजहांपुर का विकास करूंगा, बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा,
तो ये मैसेज क्या दे रहे हो दूल्हा बनके? दूल्हा बनके इसलिए राजनीति का दमान हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, यही मुद्दा है मेरे पास। प्रचार करने का मुद्दा है आपके पास? जी नहीं, इलेक्शन लड़ने का। धनराशि इतनी तो है नहीं जो मैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च करूं। ये बताइए कि क्या मैसेज दे रहे हो आम जनता को इस दूल्हा बन के? दूल्हा बन के जो दे रहा हूं कि मैं इलेक्शन में आया हूं और लड़ूंगा और शहर के बच्चों को रोजगार दिलाऊंगा और शहर की जनता को विश्वास मेरे ऊपर है कि बैदराज को अब की जिताना है। ये बताइए कि जो हर बार एक नया करते हैं, इस बार नया क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नया मैसेज दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं शादी हुई है मेरी एक तरीके से। आज के दिन शिव जी की बारात, आज ही के दिन मेरी बारात हुई थी। शादी की सालगिरह भी है और नामांकन भी आज ही के दिन है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन फिर भी बदमाशों के घोंसले बेहद बुलंद है। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस के खौफ को दरकिनार करते हुए दो जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही आराम से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दो तीन मामलों को दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। सर, आज जो गोविंदपुर कला और रेलवे ब्रांच में ये क्या मामला क्या हुआ है? कल आज सुबह जब हमने ब्रांच ओपन करी तो देखा कि ये जो सिक्योरिटी है, जो सिस्टम है, ऐसा लगा कि मैं कुछ थेफ्ट अटैम्प्ट हुआ, चोरी हुई है। मैं देखा तो ऐसा पता लगा कि दरवाजे को डबल लॉक जो होता है उसको तोड़ने की कोशिश करी गई है, जिसका दो डिवाइस को उसका हैंडल क्षतिग्रस्त कर दिया हम लोगों ने। और बाकी अभी जो है छानबीन की जा रही है। क्या चोरों ने कुंबल किया कहीं से ब्रांच के अंदर? हाँ, उन लोगों ने खिड़की के रास्ते से रोशनदान को जो स्पैन होता है वो तोड़ के अंदर आने की कोशिश करी। क्या ब्रांच के अंदर कैश या कुछ सामान गया है चोरों द्वारा? वो पता सामान तो है, जैसे मॉडल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल वो ले चुके हैं, ले गए हैं सारे कनेक्टर की कार्ड की। और अभी कैश की स्थिति का पता नहीं लगा सकते जब तक वो खुल नहीं पाएंगे। सर, इंजीनियर से बात करिए। पुलिस मौके पर है अभी? हाँ, पुलिस। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चितार, मैं ब्रांच मैनेजर। ठीक है, थैंक यू। एक तरफ तो देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नाकेबंदी करे हुए है, लेकिन मोड़ा पांडे थाना क्षेत्र के अंदर आने वाली सिंडिकेट ब्रांच में राज चोरों द्वारा जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है वो यही ब्रांच है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। चोरों ने गैस कटर की सहायता से विंडो की खिड़की काट करके बैंक के अंदर दाखिल हुए और बैंक के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नसीम खान, CNN न्यूज, मुरादाबाद। और अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और अचानक मौसम में बदलाव हो गया है। मौसम ने ऐसे रंग बदला कि तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। आपको बता दें कि तेज तूफान और बारिश की वजह से किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है। सैया बने कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी मगर देखी नहीं होगी। चलिए अब आपको ऐसा ही मामला पन्ना के मछली पालन विभाग का बताते हैं। मामला है मत्स्य पालन प्रसार योजना अंतर्गत 10 वर्षीय पट्टे बनाने के एवज में हितग्राहियों से मांगे गए पैसों का। योजना के हितग्राहियों ने मत्स्य उद्योग के प्रभारी सहायक संचालक VK सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम फिर क्या हुआ कि मछली पालन विभाग VK सक्सेना का फोन आया, तो फोन आया तो हम कहाँ कहे कि यहाँ आ जाओ, तुम पन्ना आओ। तो हम गए वहाँ, तो हमसे उन्होंने कहा कि पैसा लगेगा 10-15 हज़ार रुपये जमा करोगे जब होगा तुम्हारे पास। तो हमने कहा साहब कि मेरे पास जब पैसे नहीं है तो कहाँ पाऊँगा, विकलांग तो ऐसे ही हूँ पैर से। आजकल करके हमें पट्टा भी नहीं दिया जा रहा, परेशान गरीब आदमी सब, हमें न्याय चाहिए। कौन से गाँव के हो आप? पुराना तहसील साईनगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। पट्टा नहीं मिला आपको? जी सर। ना पैसे मिले? ना पैसे मिले सर। कि फिरन ढीमर ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि पट्टे के पहले पैसे मांगे, पैसे भी दे दिए और मुझे पट्टा भी नहीं दिया। और दूसरा, आपका एक ग्राम पंचायत लमतरा का है, यादव जी हैं, विकलांग हैं, उनका भी यही कहना है। इस पैसा में आप क्या कहेंगे?
मैं स्पेशल में ये कहूँगा कि जो स्वयं की मैंने नील क्रांति योजना अंतर्गत जिसने वो आवेदन किया था लंतरावारी ने, तो क्योंकि वो विकलांग था यही ऑफिस में आया था, तो मैंने उसने नील क्रांति योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है कि ये 7 लाख की स्कीम थे और आप चाहें तो बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, आप स्वयं के बे पे भी बना सकते हैं सर। आप तो वो बोला कि सर हम बहुत गरीब आदमी हैं और हम इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे और हमें फ्री में अभी तालाब बनता है तो हम बनवाएंगे, अन्यथा हमारे पास पैसा